नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। आज ऑल इंडिया एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी डॉक्टर एंड एम्प्लाई एसोसिएशन के द्वारा 70वां संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार लाइब्रेरी सेंटर हॉल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, दिशात गार्डन, दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सेमिनार में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री राज राजेंद्र पाल गौतम, डॉक्टर धनंजय सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार सीएम पीपल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा सहित संगठन के पदाधिकारियों सहित गणमान्य समाज सेवियों ने भाग लिया। प्रचार कराया जाता है, संविधान की प्रक्रिया तक लड़ाई उन लोगों ने जलाई जिन्हें ये मालूम नहीं कि संविधान नहीं लागू होगा तो हमारे अधिकार सारे छीन जाएंगे। संविधान ही एक ऐसी है जिसकी वजह से हम आजाद हैं। जिस दिन संविधान लागू नहीं हुआ, संविधान हटा दिया गया, अनुच्छेद लागू हो गई, तो देश में 92.5% जैसा गुलामी के गुलाम बन जाएंगे। तो सब लोगों को तो संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। बस मेरा ये कहना है कि अभी